बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट करते हैं एक दूसरे चैप्टर को जिसमें एमसीक्यूज़ है, लुकिंग इनसाइड द कंप्यूटर सिस्टम, पीटर नाटन का की बुक का इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। इसमें यह दूसरा चैप्टर है, बल्कि चैप्टर वन ही है, उस चैप्टर वन का दूसरा पार्ट है लुकिंग इनसाइड द कंप्यूटर सिस्टम। तो इसमें से हम आज एमसीक्यूज़ को स्टडी करेंगे। मैंने इस चैप्टर में से कुछ बनाए हुए हैं एमसीक्यूज, तो आज उसी को हम स्टडी करते हैं। जो पहला एमसीक्यूज है इस चैप्टर का वो है द टचेबल टेंजिबल पार्ट ऑफ कंप्यूटर आर कॉल्ड, यानी कंप्यूटर का वो पार्ट जो टचेबल है, टेंजिबल मीन्स जो टचेबल है, जिसको हम टच कर सकते हैं, उसको क्या कहते हैं। इसके अलावा ये एमसीक्यूज इस तरह भी बन सकता है कि द मैकेनिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर, मैकेनिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर आर कॉल्ड। तो यहाँ से हमारे पास जो ऑप्शंस है उसको, यानी टचेबल पार्ट को सॉफ्टवेयर कहते हैं, प्रोसेसर कहते हैं, स्कैनर कहते हैं। तो इसका सही आंसर है उसको हार्डवेयर कहते हैं, यानी कंप्यूटर का वो पार्ट जिसको हम टच कर सके उसको हार्डवेयर या कंप्यूटर का हार्डवेयर कहते हैं। इसके बाद जो दूसरा एमसीक्यूज है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट मेक कंप्यूटर टू डू टास्क्स, यानी इंस्ट्रक्शन का वो ग्रुप, इंस्ट्रक्शन का वो सेट या कोडिंग का वो ग्रुप या सेट जो कंप्यूटर को कुछ करने के लिए हेल्प मुहैया करता है, या जिसकी वजह से कंप्यूटर कोई टास्क परफॉर्म करता है, तो उसको प्रोसेसिंग कहते हैं, उसको इंफॉर्मेशन कहते हैं, उसको डेटा कहते हैं। सही जो आंसर है उसको सॉफ्टवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर की डिफिनीशन ये है कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू डू सम टास्क, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर डू सम टास्क, परफॉर्म सम टास्क, तो इसको सॉफ्टवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर को भी और भी डिफिनीशंस है, लेकिन आसान डिफिनीशन ये यही है। इसके बाद जो तीसरा एमसीक्यूज है, इंडिविजुअल फैक्ट्स हैविंग नो सेंस टू ए पर्सन इज, यानी वो फैक्ट्स जो क्या हो, जो सिंगुलर हो और जिसको हम आपस में कंबाइन किए बगैर उसका कोई मतलब नहीं निकलता, कोई बंदा उससे, कोई इंडिविजुअल उससे कोई मतलब अखज नहीं कर सकता, उसको ये ऑप्शन है, उसको कहते हैं फार्मूला, उसको कहते हैं इमेज, उसको कहते हैं सॉफ्टवेयर। तो सही आंसर ये है कि उसको कहते हैं डेटा, यानी वो फैक्ट्स एंड फिगर्स जो सिंगली कोई मीनिंग प्रोवाइड नहीं करता किसी पर्सन को, इंडिविजुअल को या रीडर को, उसको डेटा कहते हैं। इसके बाद चौथे नंबर पर जो हमारे पास एमसीक्यूज है, पीपल डेट यूज कंप्यूटर्स आर कॉल्ड, यानी कंप्यूटर्स को यूज करने वालों को, वो लोग जो कंप्यूटर को यूज करते हैं उसको क्या कहते हैं, कंप्यूटर को यूज करने वाले लोगों को क्या कहते हैं, उसको व्यूअर कहते हैं, उसको ऑडियंस कहते हैं, उसको साइंटिस्ट कहते हैं। इसका सही आंसर जो है उनको यूजर कहते हैं, यूजर या एंड यूजर, यानी यूजर वो इंडिविजुअल है, वो पीपल है जो कंप्यूटर को यूज करने वाले हैं, कंप्यूटर को यूज करते हैं। पांच नंबर पे जो एमसीक्यूज है, द प्रोसेस ऑफ एक्सेप्टिंग डेटा बाय कंप्यूटर इज कॉल्ड, यानी कंप्यूटर को जब डेटा दिया जाता है, कंप्यूटर जब डेटा कैप्चर करता है एक्सटर्नली या एक्सटर्नल वर्ड से, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर है, इसको प्रोसेसिंग कहते हैं, इसको प्रिंटिंग कहते हैं, इसको स्टोरिंग कहते हैं। तो इस एमसीक्यूज का जो सही आंसर है, इस क्वेश्चन का एमसीक्यूज ऑप्शन में सही आंसर जो है उसको इनपुट कहते हैं, यानी इनपुट वो प्रोसेस है, वो मेथड है, वो प्रोसीजर है जिसकी मदद से कंप्यूटर जो है डेटा को एक्सेप्ट करता है, कैप्चर करता है। इसके बाद जो हमारे पास छठे नंबर पे एमसीक्यूज है, द एक्शन ऑफ कंप्यूटर और इनपुट डेटा इज, कंप्यूटर पे जब डेटा इनपुट हो जाए तो फिर उस पे कंप्यूटर का एक एक्शन शुरू हो जाता है, ठीक है, उस डेटा पे कोई प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है। तो कंप्यूटर के इनपुट करदा डेटा पे जो प्रोसीजर होता है उसको कहते हैं स्टोरिंग, उसको कहते हैं कैप्चरिंग, उसको कहते हैं आउटपुट। तो इसका सही आंसर है, इसको कहते हैं प्रोसेसिंग, यानी कंप्यूटर में जब डेटा इनपुट हो जाए, कंप्यूटर डेटा को कैप्चर कर दे, तो उसके बाद कंप्यूटर क्या करता है, इस इनपुट करदा डेटा पे
अपनी प्रोसेसिंग स्टार्ट कर देता है, अपना उस पे उसको प्रोसेस कर देता है, अपना एक्शन उस डेटा पे स्टार्ट कर देता है। इसके बाद है द मेथड टू डिस्प्ले प्रोसेसिंग रिजल्ट। ठीक है, यानी जब कंप्यूटर पे डेटा इनपुट हो गया, उस पे कंप्यूटर की प्रोसेसिंग शुरू हो गई, तो प्रोसेसिंग के नतीजे में कुछ रिजल्ट बन जाता है। ठीक है, तो प्रोसेसिंग के नतीजे में एक रिजल्ट बन जाता है, तो इस रिजल्ट को क्या कहते हैं, द मेथड टू डिस्प्ले प्रोसेसिंग रिजल्ट। यानी प्रोसेसिंग शुरू हो गई, प्रोसेसिंग फाइनल हो गई, उससे एक रिजल्ट बन गया। अब ये रिजल्ट जब डिस्प्ले होगा तो इसको क्या कहते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शन है, इसको इनपुट कहते हैं, इसको अपलोड कहते हैं, इसको डाउनलोड कहते हैं, इसका सही आंसर जो है उसको आउटपुट कहते हैं। यानी कंप्यूटर ने जब इनपुट डेटा पे प्रोसेसिंग की, उसको प्रोसेस कर दिया, ये प्रोसेस जब कंप्लीट हो गई तो फिर क्या बन गया, एक रिजल्ट बन गया, और वो रिजल्ट यूजर के सामने डिस्प्ले होता है, तो फिर उसको रिजल्ट या आउटपुट कहते हैं। ठीक है, उसको रिजल्ट या आउटपुट कहते हैं। इसके बाद 8 नंबर पे जो हमारे पास MCQs है, द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का जो ब्रेन है, यानी कंप्यूटर के कौन से पार्ट को, कंप्यूटर के कौन से कंपोनेंट को ब्रेन कहते हैं, क्योंकि ब्रेन जो है आवर ऑल कंट्रोलिंग ब्रेन के पास होती है, तो कंप्यूटर भी के पास भी एक ऐसा कंपोनेंट है, उसका एक ऐसा पार्ट है जिसमें कंप्यूटर की ज्यादातर कंट्रोलिंग जो है उस पार्ट में होती है। तो यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शंस है, उस कंप्यूटर के ब्रेन को माउस कहते हैं, उसको मॉनिटर कहते हैं, उसको कीबोर्ड कहते हैं, और इसका जो सही आंसर है उसको प्रोसेसर या CPU कहते हैं। यानी प्रोसेसर या CPU को कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं, और जितना भी इंफॉर्मेशन बनता है, रिजल्ट बनता है, वो सारा का सारा जो मेन इसमें रोल होता है वो प्रोसेसर बनाता है। प्रोसेसर डेटा को प्रोसेस कर देता है, उससे आउटपुट या रिजल्ट या इंफॉर्मेशन बना देता है। यानी डेटा को प्रोसेस करने वाला जो कंपोनेंट है वो प्रोसेसर या CPU है। इसके बाद 9 नंबर पे जो ऑप्शन है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ मेमोरी इज कार्ड, कंप्यूटर में मेमोरीज होती है डेटा को स्टोर करने के लिए। ठीक है, तो ज्यादा जो कॉमन मेमोरी है कंप्यूटर की, तो वो कौन सी है, तो हमारे पास ऑप्शन है, उसको रोम कहते हैं, कंप्यूटर की ज्यादा मोस्ट कॉमन मेमोरी है उसको रोम कहते हैं, उसको बायोस कहते हैं, उसको फ्लैश मेमोरी कहते हैं, और जो सही आंसर है वो है रैम। रैम जो है ये कंप्यूटर की मेमोरी है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ मेमोरी है, और अगर कंप्यूटर में रैम ना हो तो कंप्यूटर डिस्प्ले भी नहीं देगा। ठीक है, तो रोम में क्या, रैम क्या है, रैम कंप्यूटर की सबसे कॉमन, सबसे ज्यादा यूज होने वाली मेमोरी है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टाइम पे मजीद MCQs को हम स्टडी करेंगे।